हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय बर्थडे सीरीज पार्ट वन। यस, इट्स जून मंथ, इट्स माय बर्थडे मंथ। सो आई हैव डिसाइडेड दैट मैं बहुत सारे अमेजिंग और फन वीडियोस बनाऊंगी पार्ट्स में एंड सीरीज में, जिसमें आपको बर्थडे व्लॉग, शॉपिंग, गिफ्ट्स एंड बहुत सारे ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको भी नोटिफिकेशन आए। एंड यस, जून मंथ इज गोइंग टू बी अमेजिंग, फुल ऑफ फन एंड अमेजिंग वीडियोज। सो यस, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गो अंडर हेड टू टो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लो अप। सो यस, जिसमें मुझे सिर्फ अपने आप को पैम्पर करवाना है एंड रिलैक्स फील करना है। सो मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स आज ले ली है। सो अभी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए 2 आवर्स का वेट है। सो पहले हम स्किन को प्रेप कर लेंगे एंड देन विल गो आउट फॉर ग्लो। की बात करें तो फेस तो ग्लो होना ही चाहिए, आफ्टर ऑल इट्स माई बर्थडे। सो यस, मैंने अभी फेस वॉश किया है एंड नाउ आई विल डू माई स्किन केयर, आई अप्लाई मॉइस्चराइजर। सो मैंने अभी अपना फेस वॉश किया है विद दिस मामा अर्थ एलोवेरा फेस वॉश। दिस इज फॉर यूथफुल ग्लो एंड इसके अंदर है एलोवेरा एंड अश्वगंधा, जिससे मेरी स्किन काफी अच्छे से क्लेंज हो गई है। नाउ आई अप्लाई द मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइज माई स्किन। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मेरे फेस पे थोड़ी सी रेडनेस होती है यहाँ चीक एरिया पे। सो जब मैं सन से आती हूँ तो मुझे काफी इरिटेशन होने लगती है। सो उससे रेड हो जाता है बिकॉज मेरी स्किन काफी सेंसिटिव है। सो मुझे मेरी ये इरिटेटेड स्किन पे आइस क्यूब रब करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत सेटल हो पाता है। बट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई बीन यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर विच इज मामा अर्थ एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर। मुझे इस मॉइस्चराइजर का फॉर्मुलेशन काफी अच्छा लगता है। इट इज जेल बेस्ड एंड काफी लाइट वेट है। मैं थोड़ा सा लूंगी एंड इसे इस तरह से अपने फेस पे एंड नेक में अप्लाई कर दूंगी एंड देन आई विल मसाज। ये मॉइस्चराइजर भी काफी लाइट वेट है, इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट्स नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीसी। इस मॉइस्चराइजर में भी की इंग्रेडिएंट है एलोवेरा एंड अश्वगंधा। एलोवेरा से मेरी स्किन काफी अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, नरिश हो जाती है। एलोवेरा इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट, वो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट में हो तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। एज आई सेड, इसके अंदर अश्वगंधा है जो मेरी इरिटेटेड स्किन होती है उसे काम करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस ऑन माई फेस। ऑल द मामा प्रोडक्ट्स आर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड आर फ्री फ्रॉम केमिकल and are made up of natural ingredients. Mama Earth has this plant goodness initiative in which every time when you buy product from Mama Earth, they will link your order on the website to the tree that they plant. And by 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees as a part of their initiative. मैंने सारे products की links अपने description में दे दी है, so go and check it out. Use my code ANATKA2022, you guys will get 20% discount at Mama Earth's official website and application. And app users को sale में early access भी मिल जाएगा and extra discounts भी मिलता है. So go and check it out. अभी हो गया है मेरा hair appointment का time. So हम जाएंगे salon में and hair को करेंगे chop chop. ओके गाइज, आई एम एट द सलोन एंड आई एम गोइंग फॉर हेयर कट एंड हेयर स्पा, मोरोकन हेयर स्पा जो मैंने पहले भी करवाया था। सो आई एम गोइंग फॉर लेयर्स दिस टाइम एंड नॉट दैट शॉर्ट बट मिड लेंथ में। एंड अभी मैंने मास्क लगाया हुआ है, सो आई विल कीप दिस फॉर 10 मिनट्स एंड देन विल रिंस ऑफ एंड देन हमारा हेयर कट स्टार्ट होगा। सो येस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर माई न्यू हेयर कट बिकॉज मैंने 6 मंथ्स पहले न्यू ईयर में करवाया था, डिसम्बर में आई थिंक 6-7 मंथ्स पहले। So yes, I'm very very excited to see my new look. ग्लो अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, बट उसके साथ साथ शॉपिंग भी हो रही है एंड वाई नॉट, बर्थडे मंथ है। सो मॉम को कुछ लेगिंग्स लेनी थी एंड मुझे भी लेना था। मॉम बैग ऐसे दिखा रही है कि हमने शॉप कर लिया है
एंड मुझे भी कुछ बॉटम वेयर लेने थे, सो वही हमने अभी शॉप कर लिया. नाउ लेट्स गो. सो नेक्स्ट मैं आ गई हूँ नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए. मुझे बहुत टाइम से मन था करवाने का, सो फाइनली आई एम डूइंग इट. मुझे दुबई ट्रिप में करना था बट हो नहीं पाया था. सो नाउ इट्स बर्थडे मंथ, सो करना तो बनता है. आई एम गोइंग फॉर फ्रेंच नेल्स एंड मैंने बहुत ही लेंथ शॉर्ट रखी है बिकॉज मुझे ज़्यादा लॉन्ग पसंद नहीं और मैनेज भी नहीं कर पाती. सो यस. ओके, सो फाइनली 1 आवर के बाद मेरे नेल्स हो चुके हैं एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मुझे फ्रेंच नेल्स बहुत टाइम से करवाने थे, सो फाइनली आई हैव डन दिस. एंड मैंने आईब्रो अपर लिप्स भी करवा ली है. नाउ इट्स टाइम फॉर पेडिक्योर, सो लेट्स गो एंड पैम्पर माई सेल्फ. आई एम जस्ट गोन टू चिल. एंड मुझे पेडिक्योर करवाना इसीलिए ज़्यादा पसंद है, उसका बेस्ट पार्ट मुझे लगता है मसाज. बहुत ही चिलैक्स फुट मसाज मिलता है, सो काफ़ी अच्छा लगता है. So I am back home and I am loving my hair. I went short this time again and ठीक है, मतलब आई डोंट रिग्रेट बिकॉज काफ़ी गर्मी भी है एंड मैं राइड भी करती हूँ तो मुझे काफ़ी गर्मी होती है. सो आई वेंट शॉर्ट एंड दिस इज़ लुकिंग नाइस ऑल्सो. आज का पूरा दिन काफ़ी अच्छा रहा, मैंने सिर्फ चिल किया, पैम्पर किया अपने आप को. एंड येस, मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई. आई नो मैं पैम्परिंग के लिए गई थी और मैं बोल रही हूँ मैं एग्जॉस्ट हो गई बिकॉज जो मुंबई की ट्रैफिक है, आई टेल यू, ये सारी चीज़ों में एक एक दो दो घंटे तो लगते ही है. बट मैं यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए भी इतना टाइम लग रहा था, इतना ट्रैफिक जाम था कि क्या बताऊँ मैं. सो मैं उसमें भी एग्जॉस्ट हो गई. बट ऑल इन ऑल इट वॉज ऑल गुड. मुझे काफ़ी भूख लगी अभी तो मैं आते वक्त अपने लिए वड़ा पाँव लेके आई. मैंने सोचा अपने आप को ट्रीट कर लेती हूँ. एंड येस, इट्स बर्थडे मंथ तो थोड़ा बहुत चीट चलता है, बट बीच में अगर कुछ होता है तो मैं खा लिया करूँगी एंड ऑल्सो आई वर्कआउट. येस, अभी काफ़ी भूख लगी है सो मैं खाती हूँ. एंड मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ पानी पर सर्वाइव कर रही थी. सो जो मैं घर से खा के गई थी दैट्स इट. सो आई ट्रीट माई सेल्फ विथ वड़ा पाव एंड सी यू गाइस. ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे और मैं आई हूँ अपने बर्थडे स्टेकेशन में. होल्ड ऑन, आपको सब पता चल जाएगा बर्थडे व्लॉग में. सो अभी के लिए ये सिर्फ पैम्पर ग्लो अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो है. सो जहाँ पर मैं आई थी वहाँ पर था बाथ टब. सो आई वॉज लाइक वाई नॉट पैम्पर किया जाए, कहीं पे भी बाथ टब होगा आई एम ऑल रेडी बिकॉज आई एम अ वाटर बेबी. राइम हुआ इसीलिए मैं हंस रही थी. सो यस, आई वॉज टेलिंग यू गाइज दैट मैं मुझे पानी काफ़ी पसंद है एंड मैं काफ़ी वाटर बेबी हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन स्टोरी विथ यू गाइज बचपन की. तो जब मुझे मॉम खाना खिलाती थी तो मैं वैसे खाना नहीं खाती थी, मैं बकेट में बैठ के पानी भर के कैंडल जला के मॉम मुझे खाना खिलाती थी एंड मुझे इस तरह से खाना पसंद था. सो यू कैन इमेजिन कि मुझे पानी कितना पसंद है. तो यस, मैं अभी अपना ये बाथटब रेडी करूंगी एंड 1 घंटे तक तो मैं अंदर चिल करने वाली हूँ, गाने सुनने वाली हूँ एंड रिलैक्स करने वाली हूँ फुल ऑन. सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड दिस वॉज मच नीडेड पैम्परिंग सेशन एंड आई ऑल्सो रिज्यूविनेट माई सेल्फ कि मुझे और जून में बहुत सारे वीडियोज डालने हैं, बर्थडे सीरीज करनी है. लेट मी नो इफ़ यू गाइज हैव एनी आइडियाज, सो मैं ज़रूर उस पर बनाने को ट्राई करूँगी वीडियोज. अदरवाइज मैंने कुछ तो प्लानिंग की हुई है, वो वीडियोज तो आती ही रहेगी. एंड येस, आज जो मैंने पैम्परिंग और चिलिंग सेशन जो किया है, जो मुझे मसाज मिली है उससे मैं थोड़ा ऐसे डिजी फील कर रही हूँ, मतलब स्लीपी फील कर रही हूँ.
मैं एकदम रिलैक्सिंग मोड में चली गई हूँ. सो यस, मैं अभी मेकअप वाइप ऑफ करूंगी एंड आई विल गो ऑफ टू स्लीप. आई होप आपको ये पार्ट वन बर्थडे सीरीज काफी पसंद आया होगा. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.